चल रहे हैं बच्चों, एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 इंग्लिश की वर्कशीट है 32, 15 नवंबर की वर्कशीट है। टॉपिक है लेटर राइटिंग। देखिए, इसमें लेटर राइटिंग के बारे में बताया गया। पहले हम गुड मैनर्स के बारे में जानेंगे। इस पैसेज को पढ़ते हैं ध्यान से, केयरफुली क्वेश्चन के आंसर देते हैं। गुड मैनर्स आर इसेंशियल लाइफ स्किल। बहुत जरूरी है हमारे शरीर, हमारे लिए गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार का होना। दैट इम्प्रूव द पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। हर किसी के मतलब इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोग आपको अच्छे इंसान के रूप में जानेंगे। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के विकास में गुड मैनर्स बहुत जरूरी है। इट इज बेस्ट सजेस्टेड, बहुत कहा जाता है कि गुड मैनर्स मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रन। बच्चों को बहुत ही शुरू की एज से सिखाना चाहिए उनकी लाइफ में। अ चाइल्ड विद गुड मैनर्स, अगर उसके अंदर एटीक बहुत अच्छे होंगे, मैनर्स अच्छे होंगे, तो नेचुरली वो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्टेबल एडल्ट के रूप में बाहर आएगा सोसाइटी में। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी और लोगों से अच्छे तरीके से मिल पाएगा। हैविंग गुड मैनर्स आल्सो अलाउज अ चाइल्ड टू गेट आल्सो वेल विद अदर्स, के दूसरे के साथ वो अच्छा व्यवहार कर सकता है। विद अ विटल फॉर दिस फ्यूचर सक्सेस पेरेंट्स मस्ट टीच चिल्ड्रन। बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए कि कैसे फैमिली मेंबर के साथ बिहेव करना है, अपने पड़ोसियों, दोस्तों, टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है। सम पीपल बिहेव वेल, कई लोग तो बहुत ही अच्छे वर्ड बोलते हैं। ए स्वीट वर्ड ओनली इन फ्रंट एंड नॉट बिहाइंड, आगे तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे नहीं, तो इसको गुड मैनर्स नहीं बोलते हैं। गुड मैनर्स बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, ताकि आप सोसाइटी में अच्छा बिहेव करें और लोगों का दिल जीत पाए, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे। और यू कैन क्रिएट अ यूनिक पर्सनैलिटी, आप इसकी वजह से एक यूनिक पर्सनैलिटी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, गुड मैनर्स के बारे में बताया गया। ये पैसेज तो है ही, आप इसको पैराग्राफ के रूप में भी याद कर सकते हैं, है कि नहीं। गुड मैनर्स आता है तो इसमें से कुछ लाइनें लिखी जा सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। व्हाई आर गुड मैनर्स इसेंशियल इन लाइफ। देखिए, जरूरी क्यों है, इसेंशियल मतलब जरूरी, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारा पर्सनल सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर यहाँ से आता है। हाउ डू गुड मैनर्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्टेबल। गुड मैनर्स कैसे किसी को भी रिस्पेक्टेबल और कॉन्फिडेंस बनाते हैं। तो हम यहाँ से बताएंगे कि कोई भी बच्चा अगर उसके अंदर अच्छे एटीक है, मैनर्स है, नेचुरली वो ग्रो होता है और एक कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्टेबल एडल्ट बन के आता है दुनिया में, समाज में। उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर दो का आंसर। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर मैं इसको येलो से हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। और क्वेश्चन नंबर वन कौन सा था, पहली लाइन, पहली लाइन। अब क्वेश्चन थ्री, हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल इन पब्लिक प्लेस। तो आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि गुड मैनर्स वेरी इसेंशियल है लाइफ में, ठीक है, बहुत जरूरी है लाइफ में। दूसरों के साथ बिहेव अच्छा करेंगे, अगर दूसरों के साथ बिहेव अच्छा करेंगे तो आप दूसरों के दिलों को जीत लेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर, ठीक है, हेडलाइन मैंने अंडरलाइन कर दी है। अब आता है बी पार्ट। सपोज यू आर अनिकेत, आप अनिकेत है, रोहिणी सेक्टर 45 नई दिल्ली में रह रहे। कंप्लीट करना है इस लेटर को, आपको दे रखा है अपने यंगर ब्रदर को साहिल को बताना है, जो कि आगरा के स्कूल में पढ़ता है, उसको गुड मैनर्स के बारे में बताना है। और ये बॉक्स है, इस बॉक्स की मदद से। तो सेक्टर 45 रोहिणी न्यू दिल्ली, पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, 15 नवंबर, डियर साहिल आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो ये आ गया पहले में, ठीक है, विद यू एंड यू आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज, आप अपनी पढ़ाई के साथ अच्छा कर रहे होंगे पढ़ाई में। इन दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अबाउट द गुड मैनर्स, की गुड मैनर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। गुड मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी की भी लाइफ में। रिमेम्बर गुड मैनर्स डू नॉट कॉस्ट यू। गुड मैनर्स की कोई कॉस्ट नहीं है आपको, मतलब इसके बदले आप कोई चीज ले नहीं सकते, ये तो अपने आप में अमूल्य है। दे कैन अर्न यू लव, जिससे आपको प्यार और सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। एवरी मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत तो ये है जो कि समाज में बहुत जरूरी है। एवरी चाइल्ड शुड नो हाउ टू बिहेव, हर बच्चे को जानना चाहिए अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो गुड मैनर्स लाइक शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर एल्डर्स, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, कैसे आप बात कर रहे हो, बात करने का तरीका, ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। नंबर 5 पे आएगा गुड मैनर्स आर द की मतलब की चाबी,
है सक्सेस की, किसी भी इंसान की हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ की चाबी है ये, ठीक है। आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ये सातवें में आएगा, 1 2 3 4 5 6 सात में ये आएगा कि योर गुड बिहेवियर, आपका जो मैनर्स है वो आपको अच्छे अच्छे पोजिशन पे लेके जाएगा लाइफ में। आई होप यू विल टेक माई वर्ड सीरियसली, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होगे और ये आपके बिहेवियर में चेंज भी लाएगा अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो। योर्स लविंगली अनिकेत। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, तो आप बताइएगा आपको वर्कशीट कैसी लगी। और चिल्ड्रन डे के अवसर पे उम्मीद करती हूँ कि जितने भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। टेक केयर बच्चों।